वेलकम टू जन स्टेनो क्लासेस। नमस्कार दोस्तों, जैन स्टोनो क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त दीपक मीना। दोस्तों, कल शाम को RSMSSB राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर, ठीक है, इन्होंने स्टेनोग्राफर की जो हमारी वैकेंसी थी 2018 की, दोस्तों उनका एक रीओपन का नोटिफिकेशन जारी किया है। ठीक है, तो उस नोटिफिकेशन को कई बच्चों ने पढ़ा लेकिन उन्हें समझ नहीं आया। ठीक है, तो आज मैं आपको उसी नोटिफिकेशन को यहाँ पर समझाने वाला हूँ। ठीक है दोस्तों, सबसे पहली चीज कि दोस्तों ये हमारी जो वैकेंसी है वो है 2018 की, इसमें कोई नई वैकेंसी नहीं आई है। ठीक है, गौर से देखिएगा, ध्यान से समझिएगा। ठीक है, कई आदमी ऐसे हैं जिन्हें ये समझ नहीं आया, उन्होंने मुझे फोन किया, बोले सर ऐसे ऐसे हमको समझ नहीं आ रहा है कि ये वैकेंसी नई है या पुरानी है। तो दोस्तों देखिए, 2018 में जो हमारी वैकेंसी आई थी ये वही वैकेंसी है, अब इसके पुनः दोबारा आवेदन किए जाएंगे। ठीक है, विगतवार मैं इसको समझाने वाला हूं आपको, तो गौर से देखिएगा। सबसे पहली चीज, हमारा विज्ञापन था 2018 का, ये वो नोटिफिकेशन है जो कि आया है और मैंने इसको आपको समझाना है। ठीक है, देखिए सबसे पहले विज्ञापन हमारा 2018 का, ठीक है, 2018 का, ये है 13/2018। ठीक है, और इसकी विज्ञप्ति जारी हुई थी वो हुई थी 04/07/2018 को। ठीक है, कई बच्चों ने इसके आवेदन की, ठीक है, आवेदन किस प्रकार से करने हैं, पुनः आवेदन नहीं करना है। ठीक है, सबसे पहली चीज आवेदन, दोस्तों ये हमारा जो है वो दोबारा रीओपन हो रहे हैं ये फॉर्म, इस चीज का ध्यान रखिए, नई वैकेंसी नहीं है, दोबारा फॉर्म भरे जाएंगे। हम बात कर रहे हैं किसकी, RSMSSB, ठीक है, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की बात कर रहे हैं। ठीक है, इस स्टेनोग्राफर की हमारी वैकेंसी थी, अब इसके रीओपन हो रहे हैं फॉर्म, तो हमको वही भरने हैं। ठीक है, ठीक है, आवेदन ठीक है। इसके बाद में बात करें हम कुल पदों की संख्या की, ठीक है, पदों की संख्या 2018 में जब ये वैकेंसी निकली थी तो इस वैकेंसी की कुल पद थे 1080, जिसमें अब इन्होंने बढ़ोतरी कर करके और इसको कर दिया है तकरीबन 1211 के आसपास। ठीक है, 1211 के आसपास। ठीक है दोस्तों, इसके बाद में अगर मैं बात करूं इनको कैटेगरी वाइज डिवाइड करने की बात करें, तो दोस्तों हम लोग देखेंगे कि जो सचिवालय है, ठीक है, अब मैं बात कर लेता हूं 1211 की, ठीक है, 1211, इसको अगर मैं कैटेगरी वाइज डिवाइड करता हूं, ठीक है, तो जनरल को SC ST और एक हमारा है अति पिछड़ा वर्ग, और एक इन्होंने नई कैटेगरी और बनाई थी, वो बनाई थी EWS, ठीक है, आर्थिक रूप से कमजोर। ठीक है, इनको इन्होंने इस प्रकार से
डिवाइडेशन किया है। ठीक है, अब मैं बात कर लूं सबसे पहले सचिवालय की। तो दोस्तों देखिए, सचिवालय में इन्होंने जो पोस्टें डाली हैं वो टोटल पोस्टें हैं तकरीबन 70 के आसपास। ठीक है, अब इन्होंने डिवाइड किया कैटेगरी वाइज, तो जनरल को मिली है 17 पोस्टें, एससी को मिली है 14 पोस्टें, एसटी को मिली 12 पोस्टें, ओबीसी और क्या, ओबीसी को मिली है जो कि 15 पोस्टें, और इसके बाद में ये आर्थिक अति पिछड़ा वर्ग 3 पोस्टें और ईडब्ल्यूएस की इन्होंने 5 पोस्टें और जोड़ दी। ठीक है, तो ये तो बात रही हमारे सचिवालय की। इसके बाद में मैं बात करता हूं आरपीएससी की। ठीक है, आरपीएससी, आरपीएससी में पिछली बार 2018 के नोटिफिकेशन में केवल 2 ही पोस्टें थी, इस बार इन्होंने 5 पोस्ट डाल दी। केवल 2 ही पोस्टें थी, इस बार 5 पोस्ट डाली, जो भी 3 तो जनरल की है और 1 पोस्ट डाली है अति पिछड़े वर्ग में। और 1 पोस्ट है महिलाओं की जन्म की। ठीक है, अब बात कर लेता हूं मैं जो राजस्थान अधीनस्थ मंत्रालय के अधीन जो विभाग आते हैं उनकी बात कर लेता हूं। ठीक है, आरएसएमएसएसबी के विभाग की, तो इसमें हमारी जो कुल पोस्टें थी वो थी 1080, इसको इन्होंने बढ़ा करके और तकरीबन 1211 पोस्टें कर दी है। ठीक है दोस्तों, अब इन्होंने कैटेगरी वाइज जो डिवाइड करा है तो वो देखिए किस प्रकार से डिवाइड करा है। 306 पोस्टें इन्होंने डाली है जनरल की, इसके बाद में 152 पोस्टें डाली इन्होंने एससी की और 125 पोस्टें डाली है एसटी की और 145 पोस्टें, ठीक है दोस्तों, 145 पोस्टें ये डाली है ओबीसी की। इसके बाद में बात करूं मैं अति पिछड़े वर्ग में, इन्होंने 29 पोस्ट डाली और आर्थिक रूप से कमजोर जो थे हमारे भाई वो 54 पोस्टें डाली। ठीक है, यस, ये मैं बात कर रहा हूं, तो ये हमारी ये जो वैकेंसियां हैं इनमें है। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद हम जो बात करने वाले हैं वो देखिए दोस्तों कि मुद्दा क्या था कि ये वैकेंसी पिछले 2 साल से क्यों अटक रही थी। ठीक है, अब हम बात करते हैं उसकी। ठीक है, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, जो नहीं जानते हैं वो भी देखिए कि जो वैकेंसी बढ़ी है वो किस प्रकार से बढ़ी है। दोस्तों 2011 के अंदर जो ऐसे कैंडिडेट थे जो हैंडीकैप है या दिव्यांग दृष्ट है, जिन्हें नहीं दिखता है, मुख बाधिर है और मेरे भूतपूर्व सैनिक भाई हैं, उन लोगों की जो कैटेगरी थी उसमें ये वैकेंसी कंप्लीट नहीं हो पाई थी। ठीक है, वैकेंसी उस कैटेगरी वाइज नहीं भर पाई थी, तो इन लोगों ने वो क्या करा, इन लोगों ने उसको बैकलॉग रख दिया। ठीक है, इन लोगों ने उसको बैकलॉग रख दिया। एसटी एससी का भी सिस्टम यही था। ठीक है, एसटी एससी की जो बैकलॉग है वो अब इस वैकेंसी में जुड़ गई है। ठीक है दोस्तों, इसलिए तकरीबन 2 साल इस नोटिफिकेशन पाने में लग गया है। ठीक है, यस, आगे देखिए बैकलॉग की जो एसटी एससी जो बैकलॉग था या पिछली वैकेंसी का जो बैकलॉग था, तकरीबन मैं आपको उसको भी एक बार बता देता हूं। ठीक है, कि वो किस प्रकार से इन्होंने जोड़ा था। कैरी फॉरवर्ड जो हमारी वो थी एसटी एससी का बैकलॉग, देखिए
ठीक है, एसटीएससी का जो बैकलॉग है वो इन्होंने सचिवालय के अंदर एससी कैटेगरी को 7 पोस्टें दी हैं और एसटी कैटेगरी को 6 पोस्टें दी हैं, ठीक है। ये है, हम बात कर रहे हैं सचिवालय की, ठीक है। सचिवालय में इन्होंने ये पोस्टें दी है बैकलॉग, ठीक है, फेरी कैरी फॉरवर्ड बैकलॉग जो हमारी रह गई थी वो वाली पोस्टें हैं ये, तो इस बार ये इस वैकेंसी में जुड़ गई और अब भरी जाएगी, ठीक है। इसके बाद में आरपीएससी में इन्होंने कोई वैकेंसी ना जुड़ी, ठीक है। आगे देखिए, जो हमारे गैर अनुसूचित क्षेत्र जो हमारे एड्रेस मंत्रालय के अंदर जो आते हैं उसमें इन्होंने एससी को दिए हैं 87 पोस्टें और एसटी को दी है इन्होंने 61 पोस्टें, ठीक है। तो कुल तकरीबन ये पोस्टें बनती हैं जो 149 के आसपास बनती हैं। सहरिया में एक ही है, ठीक है। अनुसूचित क्षेत्र से हमें कोई मतलब ही नहीं है क्योंकि वो लोग बिल्कुल आगे अलग हैं, ठीक है। ये बात रही हमारी पोस्टों की, जिसे भी नहीं समझ में आए आराम से देखिए, पढ़ लीजिए, समझ लीजिए और देख लीजिए, ठीक है। इसके बाद में अगर मैं बात करूं कि फॉर्म की आवेदन की अंतिम तिथि, ठीक है, आवेदन की अंतिम तिथि, तो दोस्तों सबसे पहले तो मैं इसकी आवेदन की तिथि बता देता हूं कि किस प्रकार से आवेदन कब शुरू होंगे, ठीक है। आवेदन प्रारंभ, ये प्रारंभ हो रहे हैं आपके 26/8/2020 को शुरू होंगे और अंतिम तिथि जो है आपकी वो रहेगी 24/9/2020 तक, ठीक है। अच्छा, इसके आगे देखिए इसमें कौन कौन अप्लाई कर सकता है वो देखिए, ठीक है। तो सबसे पहले जो 10+2 थे या जो पिछले साल 2018 में जो 12वीं में पढ़ रहे थे वो विद्यार्थी भी अब इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। इसके साथ साथ में कंप्यूटर का RSCIT, ठीक है दोस्तों, ये भी जरूरी है, ठीक है। RSCIT होना आपके पास में जरूरी है, ठीक है। इसके अलावा कौन कौन इसमें अप्लाई कर सकता है, जिन लोगों ने 18 वर्ष की आयु पार कर ली है वो इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। जिन मेरे भाई बंधुओं ने, जिन मेरी माता बहनों ने 12वीं पास करके RSCIT करी है वो इसके अंदर एलिजिबल है, ठीक है। इसके अलावा जो राजस्थान का, गौर से सुनिएगा दोस्तों, जो राजस्थान का मूल निवासी है वो तो इसके अंदर अप्लाई कर सकता है, लेकिन राजस्थान से बाहर का व्यक्ति भी इसके अंदर अप्लाई कर सकता है, ठीक है, बशर्ते उसके पास में किसी भी प्रकार का कोई कंप्यूटर सर्टिफिकेट होना चाहिए, ठीक है दोस्तों। यस, इसके बाद में अगर मैं बात करूं दोस्तों, इसमें एक बहुत अच्छी चीज बताई गई है जो कि पहले नहीं थी, ठीक है, हटा दूं, ये देखिए। अब देखिए दोस्तों, इसमें एक ऑप्शन और दिया है एडिट का, ठीक है, कि जिस भी मेरे भाई बंद ने पहले एक बार फॉर्म भर चुका है उसे दोबारा फॉर्म भरने की आवश्यकता नहीं, ठीक है, दोबारा वो फॉर्म नहीं भर सकते। अच्छा, नए बच्चों के लिए इन्होंने मात्र ₹300 का चालान रखा है, ठीक है, ₹300 का इन्होंने चालान रखा है, जो आप किसी भी ई मित्र या कायस्को से या अपने आप ATM कार्ड या किसी प्रकार के क्रेडिट कार्ड से इसको कटा करके अपना फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। रही बात हमारी एडिट की,
जिस भाई ने 2018 में फॉर्म भरा लेकिन किसी कारणवश उसने वो फॉर्म गलत कर दिया, तो उसको भी ये सुधार का ऑप्शन दे रहे हैं कि आप उस फॉर्म में सुधार कर सकते हैं। ठीक है, तो आप इसमें ये सुधार कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, गौर से देखिए। इसके बाद में एक नई चीज और आई है हमारे सामने, वो देखिए कि नेगेटिव मार्किंग जो थी वो इन्होंने हटा दी है। ठीक है, 1/3 हमारी नेगेटिव मार्किंग थी, ठीक है, वो इन्होंने हटा दी है। ठीक है, नेगेटिव मार्किंग इन्होंने बिल्कुल हटा दी है। ठीक है, विलोपित कर दिया मतलब हटा दिया है। ठीक है, आगे देखिएगा, एक बात और है दोस्तों, कई मेरे ऐसे जो जिनकी एज ज्यादा हो गई है वो भाई बंद है जो मेरे स्टूडेंट भी हैं, ऑनलाइन स्टूडेंट हैं, उन्होंने मुझे फोन किया कि सर हमने तो उस समय फॉर्म भरा था जिस समय हम एलिजिबल थे और कम से कम हम इतनी आयु पा चुके थे, हम ओवरेज नहीं थे, लेकिन ये वैकेंसी 2 साल अटकने से हम क्या इसमें ओवरेज हो गए, तो क्या हमें पात्रता दी जाएगी या नहीं। तो दोस्तों 2018 का जो नोटिफिकेशन है आयु की गणना, ठीक है, आयु की गणना जो पुराने विद्यार्थी हैं जिन्होंने पहले अप्लाई कर चुका है उनकी आयु की गणना इस नोटिफिकेशन के हिसाब से होगी। गौर से समझ लीजिए, ध्यान दीजिए, ठीक है, इस नोटिफिकेशन के हिसाब से होगी। आगे समझ में, तो उन्हें घबराने की आवश्यकता नहीं है, वो आराम से अपना कोर्स कंप्लीट करें और अपनी पढ़ाई करें। ठीक है, आप इसके लिए पात्र हो और आप इसके लिए बिल्कुल एलिजिबल हो। ठीक है, एक लास्ट के ऑप्शन दिया है इन्होंने, मैं सुना देता हूं। शीघ्र लिपिक के उक्त पदों पर भारतीय भर्ती हेतु विज्ञापन की विशेष शर्तें तथा ऑनलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया, परीक्षा शुल्क, प्रवेश पत्र, आरक्षण संबंधी प्रावधान, वेतनमान, पात्रता एवं शैक्षणिक योग्यता, राष्ट्रीयता, आयु संबंधी प्रावधान, अंशदायी पेंशन, विवाह पंजीयन, नियुक्ति की अयोग्यता, परीक्षा की स्कीम एवं पाठ्यक्रम, पूर्व विज्ञापन संख्या 13/2018 दिनांक 4/7/2018 के अनुसार ही यथावत रहेगी, किसी भी प्रकार की कोई टेंशन नहीं होगी। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है दोस्तों आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। ठीक है, सिलेबस हमारा वही है, सेम चीजें हैं, बस इन्होंने एक हमें वैकेंसी बैकलॉग जोड़ करके दी है, प्लस हमें नेगेटिव मार्किंग से बचा दिया है। ठीक है, नेगेटिव मार्किंग हट गई है। तो दोस्तों अब देखिए, मैं आपसे गुजारिश करना चाहता हूं कि अपनी अच्छी तैयारी करें। दोस्तों जिन्होंने नेगेटिव मार्किंग हटाई है तो ये समझ लीजिए कि नेगेटिव मार्किंग अगर हट गई आपकी तो उस हिसाब से आपकी जो कट ऑफ है वो ज्यादा जाएगी। ठीक है, तो आप अपनी अच्छी तैयारी रखें और उसी प्रकार से आप अपना सिलेबस कंप्लीट करें और सिलेबस के अकॉर्डिंग ही पढ़ें। पढ़ाई आपने अगर सिलेबस के अकॉर्डिंग करी है तो आप उसमें 100% सक्सेस पाओगे ही पाओगे। ठीक है, एक लास्ट और चीज है वो मैं आपको बता देता हूं, अगर आपके नहीं पता तो आपकी विशेष जानकारी के लिए बता दूं कि जो एग्जाम डेट है हमारी, जो भी एग्जाम डेट है वो इन लोगों ने कैलेंडर के अंदर 21/3/2021 को ये फिक्स कर दी है। ठीक है, इस तारीख को आपका रिटन एग्जाम लगेगा ही लगेगा, कोरोना काल हो सकता है खत्म हो या ना हो, लेकिन आपका एग्जाम हो सकता है, 99.9% आपका ये एग्जाम लग ही जाएगा इसी डेट।
ठीक है। उम्मीद है आपको दोस्तों लड़विंग समझ में आ गया होगा। और दो ही चीजें और कहना चाहता हूं बस, कि अगर आपको ये समझ में आया हो और आपको मेरा चैनल अच्छा लगता है तो आप इसे सब्सक्राइब जरूर करें, अपने दोस्तों को शेयर करें, लाइक जरूर करें, कमेंट करके बताएं कि किस प्रकार से अगर मैं कुछ गलत कर रहा हूं तो आप उसको कमेंट में बता सकते हैं कि सर आप गलत हो, ठीक है, तो मैं उसको करेक्शन करने की कोशिश करूंगा, ठीक है दोस्तों। अगर आपके पास मेरे नंबर नहीं है तो ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, ठीक है, कॉल कीजिए। तो ये वाले नंबर है, ठीक है दोस्तों, आराम से अपना बात कीजिए, कॉल कीजिए, जो भी चीज है आपको किसी प्रकार की कोई भी समस्या हो वो आपकी समस्या हल कर दी जाएगी, ठीक है दोस्तों, गुड बाय। दोस्तों ये ऑफिशियल विज्ञप्ति है जो कि संशोधित विज्ञप्ति है शीघ्र लिपिक संयुक्त भर्ती 2018 की। दोस्तों इसमें देखिए कैटेगरी वाइज जो हमारे जो मैंने अभी आपको समझाए हैं वो सारे पद इसके अंदर दे रखे हैं, ठीक है दोस्तों। एक एक नोटिफिकेशन की एक एक चीज आराम से पढ़िए पढ़िए और उसको समझिए, ठीक है दोस्तों, कि किस प्रकार से इन्होंने ये देखिए क्या क्या किया है, ठीक है, जो इंटरचेंज है वो इन्होंने किस प्रकार से किए हैं। ठीक है दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद।